The northwestern states of Rajasthan and Gujarat along the Aravali Range are home to non-ferrous minerals. Mining has important economic, environmental, labor, and social effects in regions where it is carried out. 5 mining sites located in Sonaria and Piparaj in Udaipur, Vitaldev mine in Banswara, Pipiloda mine in Dungarpur, and Charbhuja minerals in Bhilwara have done what it takes to build trust by being transparent, listening to stakeholder concerns and acting on them. Sonaria Soapstone Mines, located in Sonaria village in Udaipur district, is operating a soapstone mine in an area of approximately 43 hectares for over 30 years. Deforestation in the last few decades and climate change has led to a major challenge in terms of driving climate change, degradation of air, water and land quality. पर्यावरण के संबंध में जो हमारा जो रुझान है और हमारा जो लगाव है वो आपको पूरा हमने दीवारों पे चित्रण कर दिया बाहर, ताकि हमारे साथ साथ में जो आने वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो भी उसको चीज़ को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके उसको ग्रहण करें, तो कम से कम पर्यावरण की सुरक्षा होगी। और यूनिलीवर की तरफ से जो हमारा जो गार्डन हमको सुपुर्द किया है बना करके, हमने उसके लिए पानी के लिए भी टैंक बनाया। दूसरा, इसके अलावा जो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो जंगली जानवर बेचारे जो है वो जो अपना जीवन को जो बसेरा रहन बसेरा है वो वहाँ से हट करके फिर गाँव में चले जाएंगे। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए जंगल को भी बचाना आवश्यक है। समय समय पर पर्यावरण के कैंप लगाते हैं, निःशुल्क पौधा वितरण करते हैं हर साल, ताकि ये हमारा संदेश जाए माइंस की तरफ से, पर्यावरण के संदर्भ में जो है माइंस कितनी जागरूक है। Plantation is an important method for ensuring environmental sustainability, including mitigating negative effects of climate change. Sonaria Mines took the lead in planting saplings to create a green environment in and around the extraction site. Saplings have been planted and also distributed to nearby farmers, and a big water storage tank was built to irrigate the plants through drip and sprinkler system. लागू करने के लिए सोलिडराइड कंपनी ने पूरा अहम योगदान दिया है। उनकी सहायता से ही ये माइंस का डेवलपमेंट हो पाया है। पेड़ों पर विशेष ध्यान दिया और 3 गार्डन डेवलप किए, उसमें चारों तरफ अच्छे पेड़ लगाए, पर्टिकुलर शेप देके उसको डेवलप किया है। टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर मीटिंग एनर्जी नीड्स एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल, Sonaria and Vitaldev mine in Banswara transitioned their energy usage into renewable energy sources. Core program के अंतर्गत ये Solidaridad वालों ने जब से solar panel available कराया हमारे यहाँ पे, उससे काफी कुछ eco friendly आराम मिला हमको, plantation वगैरह के लिए है, road पे dust spray को रोकने के लिए है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई हमारे यहाँ पे, और डेवलपमेंट भी काफी हो रहा है उसकी वजह से। माइनिंग कंप्राइजेस ऑफ हैजर्डस ऑपरेशंस एंड स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दैट इज पीपीई टू प्रोटेक्ट द एंटायर बॉडी फ्रॉम एनी हार्म और इंजरी इन द माइनिंग एनवायरनमेंट हैज बीन डेवलप्ड फॉर माइनर्स। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर आवर वर्कर्स आर मोर कॉशियस अबाउट देयर सेफ्टी, नाउ दे आर यूजिंग पीपीईज एंड फीलिंग मोर सेफर। कोर प्रोग्राम चालू होने के बाद में हमें पीपी की ट्रेनिंग मिली और ट्रेनिंग के साथ ही हम अब काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम पीपी की ट्रेनिंग देते हैं सभी लेबर को, इसके अंदर हेलमेट, सूज, मास्क और ग्लव्स, ईयर प्लग ये लगा के काम करने देते हैं, और इसकी वजह से हमें बड़ी सुविधा मिल रही है, काम करने में खतरा कम हो गया है और इसके साथ काम करने में हमें डर नहीं है अभी। दिस माइंस कैरीड आउट हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस हीरा when they joined the core program to assess the workplace to determine if hazards that require the use of head, eye, face, hand or foot protection are present. The transformation in these mining sites happened with the help and support of core implemented in 2015. The key objectives of core is to enhance legal compliance, improve working and living condition of workers, improve the health and safety of workers and mines,
avoid or minimize negative impact of environment and to respect the rights and aspirations of affected community in more structured and transparent manner. The mines need water for dust suppression, plantation, drilling, cooling and sanitation. These requirements are met by pumping water from the pit into tankers and then using it. Keeping in view the health factor of its workers, these mines have made efforts to provide potable drinking water by installing water purifiers and water coolers. Vittaldev mine in Banswara and Pipladda mine in Dungarpur created suitable designated rest areas for their workers to use during their work breaks as a part of their commitment towards workers' welfare activities. CORE is focused on continuous improvement in a stepwise approach towards full compliance in 3 years with the following objectives: enhance compliance with legal requirements and improved governance, improve working conditions and ensure labor rights are protected, provide safe and healthy workplaces, avoid or minimize adverse impacts on the environment, respect the rights and aspirations of the affected communities. To improve sanitation and washing conditions at the mining sites, many mines with the support of CORE have constructed toilets and washrooms for use by their workers. Taking a step forward, mines recognize the importance of providing first aid kit and a stretcher at the mining sites to ensure the welfare of its workers. The impact is visible towards a change that matters.